तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर, जो कि ये डीसी करंट पर चलता है। 220 के एसी करंट पर नहीं बल्कि डीसी करंट पर चलता है। तो इसकी सप्लाई कैसे दी जाती है और कंप्रेसर को टेस्ट कैसे किया जाता है? अगर मानिए कंप्रेसर ख़राब है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है? कंप्लीट वायरिंग हम इस वीडियो में नहीं समझने वाले, सिर्फ हम समझेंगे UVW का कनेक्शन कैसे किया जाता है। UVW जो हमारा PCB होता है ना, वहाँ से सिर्फ एक जैक यहाँ से निकलता है, लेकिन अगर जैक ना निकाले तो इसे वायर को हम एक एक करके अगर देखते हैं तो UVW तीन वायर होते हैं इसमें, इसको कैसे चेक किया जाता है कंप्लीट इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए हम सीखते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है इसको। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि कंप्रेसर को टेस्ट कैसे किया जाता है, अगर ख़राब है तो टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे होता है कि नॉन इन्वर्टर में जो 220 का करंट होता है ना, जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, उसे चेक करने का तरीका अलग होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है CSR, जो नॉन इन्वर्टर का 220 का करंट होता है ना, वो CSR होता है, AC करंट पर रन करता है वो। लेकिन ये कंप्रेसर DC करंट पर रन करता है, AC करंट पर नहीं। और DC करंट इसको रन करने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना करंट होना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। तो इसको रन करने के लिए देखिए फ्रीक्वेंसी पर होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है एयर कंडीशनर के ऊपर, वैसे वैसे इस कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर मानिए कि 210 से डीसी करंट पर अगर ये स्टार्ट होता है कंप्रेसर, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये वोल्टेज भी ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। जैसे कि 310 वोल्ट और 380 वोल्ट तक चला जाता है डीसी करंट में, एसी में नहीं। एसी में 380 वोल्ट चला जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उड़ जाएगा कंप्रेसर। तो ये डीसी करंट में रन करता है। इसको चेक करने का जो तरीका होता है ना, वो क्लैंप मीटर से हम चेक कर लेते हैं। क्लैंप मीटर से चेक करने के लिए, जैसे कि हम जो नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर होता है उसे चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, तो उसमें CSR का जो है ना, वो जो रीडिंग शो करता है, रीडिंग अलग अलग शो करता है। जैसे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का अलग अलग रीडिंग शो करता है, तब हम समझ पाते हैं कि वो कंप्रेसर सही है और तीनों पर रीडिंग बतानी चाहिए, तीनों पर वीप साउंड आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें चेक करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होता है। कैसे, जब हम क्लैंप मीटर पर चेक करेंगे तो रीडिंग जो शो होगा ना, तीनों पर एक समान रीडिंग शो होनी चाहिए। UVW तीनों का रीडिंग जो है एक समान शो होना चाहिए। मैं किसी दिन प्रैक्टिकल करके ये मैं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बोर्ड में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसका जो रीडिंग होता है बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि जैसे थ्री फेज का हो गया ना, 440 वोल्ट का जो कंप्रेसर होता है थ्री फेज का, डक्टेबल एसी का, सेंट्रल प्लांट का जो कंप्रेसर होता है, जो हम जब हम चेक करते हैं तो उसका भी रीडिंग सेम सो होता है तीनों टर्मिनल पर। उसमें भी कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है, तो उसी तरह से इसमें भी कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है जैसे थ्री फेज में होता है, उसी तरह से इसको भी चेक किया जाता है, तीनों की रीडिंग सेम होनी चाहिए। और करंट अगर मानिए कि पीसीबी जब हम चेक कर रहे हैं, कंप्रेसर मानिए कि अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सप्लाई तो हम समझते हैं अभी बाद में, अगर मानिए कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम पहले इस तीनों टर्मिनल की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, रीडिंग हम चेक करेंगे तीनों टर्मिनल की, कि क्या तीनों टर्मिनल की रीडिंग सेम आ रही है। अगर अप डाउन हो गया, मानिए कि यहाँ पर 3 दिखा रहा है, यहाँ पर 5 दिखा रहा है, यहाँ पर 7 दिखा रहा है, तो समझिए कंप्रेसर खराब है, ऐसे में खराब माना जाएगा। अगर मानिए तीनों की रीडिंग सेम सो हो रहा है कंटिन्यूटी, जब हम चेक कर रहे हैं या तो सीरीज से चेक करें या तो हम क्लैमीटर से चेक करें, तीनों की रीडिंग सेम सो होनी चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो समझिए कंप्रेसर आपका सही है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या इस कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, विदाउट PCB के हम स्टार्ट नहीं कर सकते इसको। और नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर होता है उसे हम CSR सर्किट दे करके, यानी कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हम दे करके, उसको डायरेक्ट हम सप्लाई 220 का करंट दे करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको 310 वोल्ट, 350 वोल्ट या फिर 280 वोल्ट दे करके हम इसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें PCB होना ज़रूरी है, बिना PCB के, विदाउट PCB के हम इसे नहीं चला सकते। और इसको रन करवाने के लिए भी एक यूनिट आता है जिसे आप रन करवा सकते हैं डायरेक्टली, वो भी डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, वो भी PCB से ही होगा। तो
तो ये पीसीबी से लगा करके हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। अब मानिए कंप्रेसर हमने चेक कर लिया, तीनों की रीडिंग सेम है। अब हम यहाँ पर आउटपुट सप्लाई हम चेक करेंगे कब, जब हमारा सिस्टम रन कर रहा हो, यानी कि इंडोर आउटडोर दोनों चल रहा हो, कंप्रेसर ना चल रहा हो, तो उस समय हम देखेंगे यू वी डब्ल्यू तीनों पर, हम जो है ना तीनों पर करंट सेम होना चाहिए तीनों पर। यानी कि अगर 310 वोल्ट दिखा रहा है डीसी करंट में, डीसी में हमें चेक करना है। क्लैमीटर को हम डीसी पर सेलेक्ट करेंगे और डीसी पर यहाँ पर डीसी, क्योंकि ये जो आउटपुट निकाल रहा है ना ये डीसी करंट निकालता है, तो 310 वोल्ट अगर यहाँ पर यू वी पर 310 दिखा रहा है तो यू और डब्लू यहाँ पर भी 310 वोल्ट शो होना चाहिए, वी और डब्लू पर भी 310 वोल्ट शो होना चाहिए, वी और यू पर भी 310 वोल्ट शो होना चाहिए। अगर शो हो रहा है तो समझिए पीसीबी सही है और कंप्रेसर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई फॉल्ट होता है। अगर कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है, या तो पीसीबी खराब है या तो कंप्रेसर खुद खराब है। तो दोनों को चेक करने का तरीका यही होता है, तीनों में वोल्टेज सेम शो होना चाहिए और रनिंग स्थिति में आपको चेक करना होगा, यानी कि सिस्टम रन कर रहा हो। ऐसा नहीं कि सिस्टम बंद है तब आप पीसीबी को चेक कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिस्टम रन करवाने के बाद ही आपको पीसीबी चेक करना है, आउटपुट सप्लाई चेक करना है। आउटपुट निकाल रहा है तो कंप्रेसर में खराबी है, अगर कंप्रेसर खराब है यहाँ पर आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा है तो पीसीबी में खराबी है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं। चलिए इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। सिंपल सा कनेक्शन होता है, एक जैक यहाँ पर लगा होता है और यह जैक तीनों जाकर के कंप्रेसर के टर्मिनल पर जाता है यू वी डब्ल्यू पर। वही सेम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यू से निकाल करके हमें यू से निकाल करके यू में देना है और वी से निकाल करके वी में देना है और डब्ल्यू से निकाल करके डब्ल्यू में देना है। यहाँ W से निकाल करके W में देना है। सिंपल सा ये कनेक्शन होता है। और इसके बाद वाली वीडियो में, इस वीडियो में अगर मैं बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे। दूसरी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडोर से लेकर के आउटडोर तक इन्वर्टर एसी का कनेक्शन कैसे किया जाए कंप्लीट। इंडोर जो पीसीबी होता है, आउटडोर पीसीबी होता है, उसका कनेक्शन कम्युनिकेशन कैसे दिया जाता है। ये तो सिर्फ मैं सिंपल कनेक्शन बताया हूँ आउटडोर कंप्रेसर का। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ समझ में ना आया हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।